बस में बैठ करके अभी हम लोग ग्लास ब्रिज तक जाएंगे। गाइस क्या ही जबरदस्त ये लग रहा है ग्लास ब्रिज। अब देखो करीब 10 से 15 लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाती है और अंदर का नजारा तो काफी जबरदस्त लग रहा है। तो गाइस नेचर सफारी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अंदर का नजारा देखो कुछ इस तरह का है और चारों तरफ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। और तो गाइस हम लोगों ने एंट्री टिकट अपना ऑलरेडी ले रखा है तो अभी सबसे पहले हम अंदर जा रहे हैं, ग्लास ब्रिज का टिकट लेंगे, उसके बाद शायद हमें एक बस हमें यहाँ से ले जाएगी। तो थैंक गॉड गाइस हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले रखा था तो हम लोगों को एंट्री अंदर मिल चुकी है और अंदर का नज़ारा तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। हाँ तो गाइस अंदर आने के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल ऑफलाइन टिकट अभी बंद किया गया है इसलिए हम लोग ने ऑनलाइन टिकट काटा था, इसलिए हम इसके अंदर भी आ गए हैं। ऑनलाइन टिकट के लिए आपको एक से दो दिन पहले नेचर सफारी राजगीर के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना टिकट बुक करना पड़ता है जिसकी टिकट प्राइस 150 पर हेड है। हाँ तो गाइस राजगीर इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल एंड मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ही सराउंडेड 5 माउंटेन्स लाइक वैभवगिरी, विपुनगिरी, रत्नागिरी, सोनगिरी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ नेचर सफारी का जो अंदर जगह बनाया हुआ है आराम करने के लिए और यहीं से टिकट वगैरह भी जो सफारी का मिलता है तो वहीं पर हम लोग आ गए हैं और आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप देख सकते हो कितनी चमकदार धूप निकली है, लगता है हम लोग को फिर से अपना चश्मा पहनना पड़ेगा। तो चलिए अब अंदर हम लोग जाके थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद एक मिनी बस हम लोगों को ग्लास ब्रिज तक ले जाएगी। चलिए। हाँ तो नेचर सफारी के अंदर ये देखो एक शेड जैसा ऐसा बनाया हुआ है और यहाँ पे बैठ के आप यहाँ पे वेट कर सकते हो और अपनी बस का इंतज़ार कर सकते हो जो कि आपको जू सफारी या फिर ग्लास ब्रिज तक ले जाती है। तो ये देखो यहाँ पे टिकट चेक होगा। जी सर, तो टिकट ग्लास ब्रिज का वहाँ मिलेगा। चलिए आप लोग बाहर जाके रहे वहाँ पे ओके मिल कर ठीक है सर। तो गाइज हमारी एंट्री हो चुकी है और हमें बोला गया है वहाँ पे उस गेट के बाहर वहाँ जाके बैठने के लिए, वहीं पे हमारी बस आएगी हमें पिकअप करने के लिए जो कि हमें ग्लास ब्रिज तक ले जाएगी। और ग्लास ब्रिज जाने के लिए और हाँ ग्लास ब्रिज तक ले जाने के लिए बस हमें वहाँ मिलेगी और हमें वहीं जाके फिर अलग से उसका टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए और गाइज हम लोग वहाँ से अगर लौट के आएंगे तब यहाँ पे हम लोगों ने जो एंट्री टिकट लिया था 150 का उसी में यहाँ पे 3D शो भी देख सकते हैं। तो उधर से हम लोग जब घूम के लौटेंगे उसके बाद यहाँ पे 3D शो देखेंगे और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है तो वो भी देखेंगे। चलिए पहले हम लोग ग्लास ब्रिज चलते हैं। हाँ तो गाइज ग्लास ब्रिज तक जाने के लिए यहाँ पे बस टर्मिनल यहाँ पे बनाया हुआ है तो हम लोग वहीं अपने बस टर्मिनल के पास जा रहे हैं और यहीं से हम लोग अपना बस में बैठ करके अभी हम लोग ग्लास ब्रिज तक जाएंगे। चलिए दोस्तों ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए सबसे पहले आपको नेचर सफारी का टिकट लेना पड़ता है जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते हो। और ये देखो गाइस ये बस भर के लोगों को ले जाया जा रहा है ग्लास ब्रिज के पास और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग भी इसी लाइन में लग जाते हैं जाने के लिए। हाँ तो गाइस हमारी तरह अगर आप ग्लास ब्रिज घूमने के लिए आ रहे हो तो हो सकता है आपको बस टर्मिनल पे 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी जितनी भी बसें थे यहाँ पे सभी अपने पैसेंजर को लेके आगे ग्लास ब्रिज की ओर चली गए। आप देख सकते हो ये पूरा बस टर्मिनल अभी खाली हो गया है बस से और लोग देख रहे हो अभी कितने सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ तो गाइस आधा से 1 घंटा के बाद एक बस तो आई है, देखते हैं इसमें हमारे लिए सीट बसता है कि नहीं।
फिलहाल इस बस में जितने भी पैसेंजर है वो सभी ग्लास ब्रिज घूम के आ चुके हैं, उन्हें यहाँ पे उतार दिया जाएगा और यहाँ से जो ग्लास ब्रिज घूमने के लिए जाते हैं उन्हें वापस बैठा के उनको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हम लोग लाइन में पहले आ चुके हैं, अब हमें मौका मिलेगा सबसे आगे बैठने के लिए। अभी ये फुल जो ये बस आई थी ये पूरी तरह से फुल हो चुकी है और दूसरे बस में हम लोग सबसे आगे वाली सीट पर बैठेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें अंदर जाने का मौका मिल रहा है। हाँ तो गाइस फाइनली हमारे लिए बस आ चुकी है और इसी के आगे वाली सीट पर हम लोग बैठे हैं। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली आगे वाला सीट ले लिया है और बस के अंदर देखो कैसा है। हाँ तो गाइस लगभग इस बस में 20 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ये बस फोर्स कंपनी का ट्रैवलर है जिसमें 20 सीटर सीट है और ये लगभग खुली हो चुका है और ये पूरी तरीके से एयर कंडीशन बस है। आप देख सकते हो ऊपर में AC लगा हुआ है। नेचर सफारी के टिकट में बस चार्ज इंक्लूडेड होता है। ये बस आपको नेचर सफारी के मेन गेट पर छोड़ देगा जहां से आप ग्लास ब्रिज के लिए टिकट ले सकते हो। हाँ तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी नेचर सफारी के लिए निकल चुकी है। दोस्तों इस जगह को वैभव गिरी पहाड़ के 500 एकड़ की ज़मीन पर बनाया गया है जिसे यहाँ के लोकल्स एंड टूरिस्ट के लिए 26 मार्च 2021 को इस जगह को नेचर सफारी के नाम से बिहार के CM श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। राजगीर नेचर सफारी आ चुके हैं और ये देखो ये रहा इसका मेन गेट। तो गाइस बस से उतरने के बाद हम लोग यहाँ नेचर सफारी के मेन गेट के पास आ गए हैं। अब यहाँ से हमें ग्लास ब्रिज का टिकट मिलेगा तो यहीं से हम लोग टिकट ले लेते हैं। हाँ तो गाइस हमने दो आदमी के लिए 300 रुपये पे किया है, उन 300 रुपये में दो टिकट हमें मिला है, दोनों में ग्लास ब्रिज और एक सस्पेंशन ब्रिज का जो टेंट है वो दोनों इंक्लूडेड है। तो ये ऐसा दिखता है ये टिकट। हाँ तो गाइस ये है नेचर सफारी का एंट्री गेट और आप सामने देख सकते हो इसी बस में हम लोग यहाँ पे आए थे और ये रहा सबसे मेन गेट। हाँ तो गाइस यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, आप चाहो तो सेल्फी ले सकते हो, देख रहे हो ये है सेल्फी पॉइंट। तो गाइस हमारी ऑफिशियली एंट्री हो गई है नेचर सफारी के अंदर और नेचर सफारी का ये यहाँ पे मैप है देखो। ऑलरेडी टिकट हम लोगों ने ले लिया है, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्लास ब्रिज पे, उसके बाद आगे चलेंगे। लगभग यहाँ से हम लोगों को 100 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्लास ब्रिज है और ऐसा देखिए चलने के लिए ऐसा ट्रेल बनाए हुए हैं यहाँ पे। ग्लास स्काई वॉक और यही है इसका मेन एंट्रेंस। अब चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग और शायद हम लोग को लाइन में लगना पड़ सकता है और थोड़ी देर वेट भी करनी पड़ सकती है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे ग्लास ब्रिज को देखने के लिए। चलिए गाइस अब देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे और ये देखो यहाँ पे पहाड़ को काट कर कैसे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं।
यहाँ से शुरू होके लाइन ऊपर तक गई है और ऊपर में कहीं पे ग्लास ब्रिज है। 2000 years later करीब 1000 साल वेट करने के बाद हमको ऊपर जाने के लिए एंट्री मिला है। अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे हैं, टॉप पे हैं। हाँ तो फाइनली गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है ग्लास ब्रिज के अंदर और ये रहा वो रास्ता। एक टाइम पे करीब 10 से 15 लोगों को ही अंदर एंट्री दी जाती है। तो चलिए अभी हम लोग सबसे एंड ऑफ द ब्रिज चलते हैं जहाँ से काफ़ी अच्छा नेचर का व्यू आता है। गाइस काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। तो दोस्तों ज़मीन से इस ब्रिज की हाइट 200 से 250 फीट है, 6 फीट चौड़ाई के साथ 45 mm इसकी थिकनेस है और यह 105 फीट लंबा है। क्या ही जबरदस्त ये लग रहा है ग्लास ब्रिज अब देखो, और काफ़ी गहराई है यहाँ पे और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लिटरली सही में डर लग रहा है। और लेकिन ग्लास काफ़ी मोटा है और आप बेफिक्र होकर इस पे घूम सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और आप इसके चारों तरफ देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है। हाँ तो गाइस ये था ग्लास ब्रिज का नज़ारा और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही सस्पेंशन ब्रिज है। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं। हाँ तो गाइज अभी आप लोगों ने ग्लास ब्रिज या फिर कहिए ग्लास स्काई वॉक का नज़ारा देखा। तो एक तरह से वंस इन अ लाइफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी 2-3 घंटा वेट करना पड़ा इसके लिए और ब्रिज के ऊपर आपको 5 मिनट भी नहीं खड़ा होने दिया जाता। तो आप इस हिसाब से एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज है जो इसी ब्रिज के आगे में है बना हुआ, और फिर हाँ उसके बाद फिर हम लोग जिप लाइन करने जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे का फिर घूमेंगे।